अब तक नहीं कही गई। कोशिश करूंगा कि उन संदर्भों के जिक्र से बचूं जिनका जिक्र यहाँ हो चुका है। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था जब से बातचीत हो रही थी कि इतिहास को हम समझते हैं तो कैसे समझते हैं और इतिहास को क्यों पढ़ें, क्यों जाने इतिहास को। हालांकि मैं इतिहास ही का विद्यार्थी हूँ लेकिन साहित्य में करते हैं या जब हमारी स्मृतियों से सम्मोहित होकर हमारी परंपरा बन के वो हमारे हम तक आता है तो इतिहास बनता है। जैसे इतिहास एक बड़ा सा डिब्बा हम मान ले तो इतिहासकारों ने अपने ज्ञान की रोशनी जिन जिन जगहों पर डाली वहां से वो इतिहास रिफ्लेक्ट होता है और इतिहास वहां से शामिल होता है आके। अतीत से उतना हिस्सा हमारे इतिहास में शामिल हो जाता है। यहां रोशनी गई तो वो हिस्सा आ गया, यहां रोशनी गई तो वो हिस्सा आ गया। अभी भी बहुत सारा हिस्सा हमारे अतीत का हमारा इतिहास बनने से बचा रह गया है और इसीलिए कोई भी इतिहास अंतिम नहीं होता। अभी 1922 से पहले हम सैंधव घाटी के बारे में नहीं जानते थे लेकिन हो सकता है कल कुछ और जानने लगे तो भी इतिहास में शामिल होगा। दूसरी एक चीज है कि इतिहास बनने की जो प्रक्रियाएं हैं, क्यों है इतिहास बहुत जरूरी, क्यों जानना है। तो एक तो यह भी है कि मुझे लगता है कई बार कि जब मैं देखता हूं कि अब यहीं पे रख दिया गया कोई चीज मेरी आंखों के सामने, मैंने यहां रख लिया इसे, तो मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इतिहास हमें एक जरूरी दूरी देता है और यह जरूरी दूरी जो है इतिहास में हमें परिप्रेक्ष्य देती है। क्योंकि जब मैं यहां हूं तो मैं न यह पढ़ पा रहा हूं न सामने आप लोगों को देख पा रहा हूं, लेकिन जब मैंने एक दूरी ले ली तो मैं इसको भी पढ़ पा रहा हूं और आप लोगों के परिप्रेक्ष्य भी विकसित हो रहे हैं कि कौन लोग हैं, क्या क्या लोग हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इतिहास कुछ इन संदर्भों में जरूरी जान पड़ता है। और एक यह भी है कि जैसे हम यहां जयहरी खाल में हैं, यहां इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, निश्चित रूप से इनका इतिहास होगा लेकिन ये हमारे इतिहास में कितने हैं इस पे भी एक बातचीत चर्चा होनी चाहिए। इतिहास में कौन से पत्थर शामिल हुए? इतिहास में वही पत्थर शामिल हुए जो मनुष्य के हाथों में आकर के औजार बन गए तो वो इतिहास में शामिल हो गए, वरना तो यह है ना पहाड़, ये इतिहास में शामिल नहीं है। हालांकि इनका इतिहास है। जैसे